अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में भोपाल पानी गांव में सुंदरकांड पाठ सांस्कृतिक कार्यक्रम और विशाल भंडारी का आयोजन जिला पंचायत सदस्य अश्विनी बहुगुणा द्वारा किया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने गणेश गोदिया शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान जागर सम्राट प्रीतम भरतमाण के भजन और लोकगीतों ने सभी भक्तजनों का मन मोह लिया। डुबाला से जावेद हुसैन की रिपोर्ट। कल 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी है और अयोध्या में राम जी का विराजमान होना है। पूरा देश इसमें खुशी मना रहा है। 20, 21, 22 तारीख को जो है हर जगह भंडारों का आयोजन हो रहा है और सुंदरकांड हो रहे हैं और ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं। तो उसी के आयोजन में भी हम लोगों ने जिला पंचायत क्षेत्र 24 द्वारा के आयोजक मंडल ने एक ये प्रोग्राम यहाँ पर रखा है। वासियों को शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि ये एक सुंदर काम जो हमारे देश में हो रहा है, हमारे मन के, क्योंकि कण कण में है भगवान, लेकिन भगवान को जो है, भगवान तो हर जगह, गरीब के घर में भी भगवान है, झोपड़ी में भी भगवान है, महलों में भी भगवान है, लेकिन एक स्थान जो भगवान जी को मिला है, राम जी को जो मिला है, अयोध्या में जो मिला है, सबको मेरी शुभकामनाएं है। एक ऐतिहासिक क्षण आया है जब भगवान राम 500 से भी अधिक वर्षों के बाद अपने मंदिर में विराजमान होंगे अयोध्या में, और आज घर घर अयोध्या बन गई है। वो दुर्लभ क्षण 22 जनवरी 2024 को है दिन में, और उत्सव का माहौल मकर संक्रांति के पश्चात पूरे देश में, पूरी दुनिया में चल रहा है। उसी क्रम में हम आज यहाँ पर भी हैं और आज हर सनातनी उल्लासित है, पुलकित है। तो ये पूरे देश प्रदेश सब लोगों को मेरा शुभकामनाएं और प्रणाम। ये देना चाहूँगा कि राम आराध्य हैं और राम हमारे आराध्य हैं। राम की भूमि पर राम का आना इतने वर्षों के पश्चात ये बहुत दुर्लभ क्षण है। इस क्षण को एंजॉय करें। आज दल राजनीति इससे ऊपर उठने की जरूरत है।